डालीवास गांव की सरपंच जी, मौजूदा सरपंच। हाँ, अभी आपने जो प्रवेश द्वार बनाया है, स्वागत द्वार गांव के लिए डालीवास, आपका एक सराहनीय काम है, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। मैम, जो आपने प्रवेश द्वार बनाया है उसको लेकर गांववासी और कुछ पंचों को इसे शिकायत है कि आपने उनका नाम वहाँ पर नहीं लिखवाया, ऐसा क्यों? सर, एक्चुअली उस टाइम थोड़ा सा एक तो जल्दी थी, जल्दबाजी में ये काम हुआ था, और जैसे आपने मेरे को अभी बताया तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ और ये हमसे गलती हुई है, हम इस गलती को सुधारेंगे, हम जल्दी ही दूसरा लगवा देंगे, पत्थर लगवाएंगे। मैम, जैसे कि आपने कहा कि जल्दबाजी थी थोड़ा, मान लिया कि हम आपने जल्दबाजी थी थोड़ा, आपको काम जल्दी करना था जी, तो फिर आप कह रहे हैं कि हमें नेम प्लेट में बाकी उन पंचों के नाम क्यों लिखवा, अगर इतनी जल्दी थी तो आप खाली अपना नाम लिखवा कर समस्त ग्रामवासी लिखवा कर उसको हम पट लगवा सकते थे, एक पट लिखवा सकते थे उस पर, तो बाकी पंचों को इंक्लूड कर तीन चार पंचों को छोड़ना कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह तो कोई नहीं है, बस हो गई है गलती, इंसानों से गलती होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम उस गलती को जल्दी सुधारेंगे। मैम, गांववासियों का और पंचों का कहना है कि सरपंच साहब की वजह से भाईचारा है जो जी, वो एक भाईचारे में दरार आएगी, जो आपसी भाईचारा होता है समाज का गांव का, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो बाकी पंच है वो उनके फेवर में है, इसी वजह से उनका नाम लिखवाया है, वो उनका फेवर नहीं करते आपके काम में, थोड़ा आप जो गलत काम, वो कह रहे कि आप जो गलत काम करते वो उसमें आपका फेवर नहीं करते। देखो, फिल्म में आप भी मीडिया प्रभारी हो, आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता है कि जो फील्ड में जितने भी अभी तक काम हुए हैं मीडिया के नोटिस में भी हैं, और सभी को पता है, गांववासियों को सबको पता है कि मेरे ख्याल से अभी तक तो ऐसा कोई गलत काम हुआ नहीं है कि जो मेरा सहयोग ना करते। मैम, कितना खर्चा आया लगभग प्रेस द्वार बनाने में, लगभग कितना एस्टिमेट मानती हैं आप, क्योंकि आपने पूरा लिखा, लगभग कितने खर्चा आया होगा? सर, 6 लाख के आसपास समथिंग। पर मैम, हमने जो पंचों से बात की, जो आपके जिनका आपने हमने लिखवा है, जो आपसे नाराज है काफी, उन्होंने कहा कि लगभग 3-4 लाख मैक्सिमम है, यहाँ पर कुछ गोलमाल लग रहा है हमको। सर, ये तो देखो, जो हमारी डिपार्टमेंट ने है, मैम, हमें जो आपने जो पूरी करवाई है इसका, क्या हम इसका एस्टिमेट मिल सकता है कि आप कितना कितना कितनी ईंटें आई थी, क्या कितनी टाइलें आई थी, इनका क्या रिकॉर्ड है, क्या आप अगर चाहे तो हमें दे सकते हैं? उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, हम ऑन रिकॉर्ड, जो हमारा ऑन रिकॉर्ड है वो मिल जाएगा सर। मैम, लगभग अब तक कितनी ग्रांट आपको सरकार की तरफ से मिली है गाँव के विकास के कार्य के लिए, कितने लाख की या करोड़ की, जो भी मैं कहूँ, क्योंकि आप नज़दीकी माने जाती है बनवाई लाल साहब के, मंत्री साहब के साथ आपकी काफ़ी नज़दीकी है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, तो लगभग कितना विकास कार्य के लिए उन्होंने आपको ग्रांट किया? उसमें देखना, देख के बता सकते ग्राम विकास सीमाती ढाली आवास। अच्छा, ढाबी जो प्रवेश द्वार बनाया गया है आपकी पंचायत की तरफ से जी, कुछ पंचों के नाम नहीं डाले? हाँ, वो पंचों के जो नाम इन्होंने नहीं डाले वो गलत है, सरासर गलत है। या तो इन्होंने ऐसा करके कि भाई पंचगण लिखने थे, अगर नाम नहीं डालना था तो, या कोई और मतलब कि ग्राम सभा लिख दे, समस्त ग्रामवासी लिख देते, ये तो जानबूझ के इन्होंने ऐसा किया है कि भाई कुछ एक पंचों के नाम नहीं लिखे गए, तो ये गलत है। इसके अलावा कितने कितने विकास कार्य आपकी जब पंचायत ने अबकी बार जो करवाए हैं? विकास कार्य काफ़ी हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ एक काम जो मेन जरूरी थे वो एक भी उनमें से नहीं हुआ है। जैसे डीसी साहब ने कहा कि मैं गांव ढाली आवास को गोद लेता हूं और जो भी काम होंगे मेरे को बताया जाए, हम उसको करेंगे पूरा। हमने डीसी साहब को कहा था, जब स्कूल में आए थे डीसी साहब, तो हमने कहा था कि जी हमारा एक तो स्कूल प्लस टू करवाओ, अपग्रेड होना चाहिए। दूसरा, जो हमारा जो पानी का निकास है, ये या तो सीवर में, फिलहाल तो सीवर में डलवा दिया जाए, या इनके लिए जो है सीवर स्पेशल डलवाया जाए। तो डीसी साहब ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। और कितनी ग्रांट आई, जो बताया हमने सरपंच साहब से बात करें, 70 लाख की ग्रांट आई हमारे गांव के? नहीं जी, हमारे को कोई पता नहीं है ग्रांट के बारे में, ना सरपंच ने हमें कभी बताया है और ना हमें पता है इस बारे में। कभी ऐसा हुआ है कि कभी पंचायत की बुलाई हो बैठक सरपंच साहब ने और पूछा हो कि क्या क्या विकास कार्य है, क्या क्या आपके मुद्दे हैं? बैठक तो वो शायद है करती होगी, लेकिन हमें कभी भी इनवाइट बैठक में नहीं किया गया। किन को इनवाइट करती है आपके अलावा? आप भी तो ग्रामवासी हैं। हाँ, हम ग्रामवासी हैं, हमारे जो ग्राम के मौजूद आदमी हैं, जिनको किसी को भी नहीं बुलाती है। वो कॉलोनी के अंदर जो है फिलहाल इतनी वो हो रही है कि कॉलोनी के जो भी बंदे होते हैं उसके, मतलब जो निजी हैं उसका जो भी जैसा है, उनको बुला कर अपना सलाह मशवरा करके खाना पूर्ति कर देती है। कुछ एक पंचों ने जिनका नाम नहीं लिखा गया उस बोर्ड पे, सूचना पट पे, वो उसका कारण यही है कि वो उसकी बातों को नहीं मानते। जैसा वो कहती है भाई ये करो तुम, तो वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि वो गलत करती होगी। अगर गलत करती है तभी नहीं मानते, अगर सही होता तो मान लेते, और मान लेते तो उनका नाम भी सूचना पट पे लिखवाया जा सकता था। जानबूझ कर किया गया? जानबूझ के किया गया, क्लियर है।
तो सच्चाई है जी। आपने इसके रिगार्डिंग वीडियो साहब से, सेक्रेटरी साहब से कोई बात की हो? वीडियो साहब से अभी तक तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हम वीडियो साहब को शिकायत देंगे इसकी कि साहब ये जो है जानबूझ के गलत काम किया गया है और ये नहीं होना चाहिए था ऐसा। अभी हमने सरपंच साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे गलती हुई है, मैं 2-3 दिन में दोबारा नया सूचना पट लगवा दूँगी, उस पर सभी ग्रामवासियों के नाम होंगे, जो भी पंच है मौजूदा उनके भी नाम लिखवाऊंगी। तो इसके बाद आप उसको माफ़ करना पसंद करेंगे या नहीं? चलो अगर ऐसा करती है तो ठीक है, फिर तो भाई जब इसके आगे अलावा इसके बाद में रह भी क्या जाता है। ठीक है, अगर वो अपनी गलती स्वीकार करती है कि भाई हम जो है गलती हो गई मुझसे और दोबारा से बनवा के लिखवा दूंगी तो बहुत अच्छी बात है।